नमस्कार दोस्तों, हार्दिक रूप से स्वागत है आपका हमारे जे आई बी एन सी आई बी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले जिन लोगों ने सी आई बी क्लियर किया है अपने तीनों पेपर को, चाहे वो पहले अटैम्प्ट में किया हो या एक से ज़्यादा अटैम्प्ट में किया हो, उन लोगों को ढेर सारी बधाई। और दोस्तों, जिनका कुछ मार्क्स से बच गए हैं, जिनका कुछ मार्क्स से रह गया है, तो दोस्तों वो बिल्कुल निराश नहीं हो, क्योंकि हमारा जो अगला सी आई बी एग्जामिनेशन है वो जून में ही होने वाला है। तो आपके पास कुल मिलाकर 2 या 3 या 4 महीने हैं, ठीक है, जिसमें आप यदि अच्छे से तैयारी करें तो निश्चित रूप से अगले सी आई बी में आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सी आई बी के एग्जामिनेशन आप लोगों ने अच्छे से दिया और आप लोगों का कमेंट भी आया दोस्तों कि हाँ, हमने इतना स्कोर किया। खासकर मैंने देखा है कि जो रिटेल बैंकिंग का पेपर है उसमें लोगों ने 60+ बहुत सारे लोगों ने स्कोर किया है, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा है इस बार सी आई बी एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ लगातार टच में रहे हैं और आपने देखा होगा कि मैंने जो है अपने सी आई बी एग्जाम में, चाहे ए वी एम हो, चाहे बी एफ एम हो, चाहे रिटेल हो, एग्जामिनेशन से पहले मैंने आपके साथ कुछ मैराथन वीडियोज, एम सी क्यूज टाइप का कुछ क्विक रिविजन सेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोज आपको डालते रहे, आपको मैं प्रोवाइड करता रहा हूँ। तो निश्चित रूप से वो आपके लिए लाभदायक साबित हुआ, जैसा कि मैंने कमेंट सेक्शन देखा है तो उसे मुझे पता चला कि हाँ, आप लोगों को लास्ट टाइम रिविजन में वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई। तो दोस्तों, मैं इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं आगे की जो रणनीति है, जो अगले सी आई बी एग्जामिनेशन होने वाली है उसकी जो रणनीति है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, ऐसा है कि एक पार्टिकुलर वीडियोज़ को क्रिएट करने में, उसको एडिट करने में या उसको आपके सामने प्रेजेंट करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मैं और हमारी टीम लोग लगभग मिलके लगभग एक वीडियोज़ के पीछे 1 या 2 दिन का मेहनत है। तो ऑब्वियस ही बात है कि आज के इस जो अपना दौर चल चुका है यूट्यूब पे वीडियोस का, ठीक है, और ये जो मार्केट है अपना, तो उसमें बने रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो निश्चित रूप से आपकी सहयोग की ज़रूरत है यहाँ पे, आप चाहें तो। और दूसरी बात ये कि जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, और दोस्तों आपने देखा होगा मैंने एमसीक्यूज के सेशन लाए थे आपके लिए, मैं आपको ईवीएम का यूनिट वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड किया था और आप लोगों का कमेंट से मुझे पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए मददायक साबित हुआ। तो दोस्तों, उसी तरह मैं बीएफएम का भी लाऊंगा। बीएफएम में बहुत सारा चीज़ अभी मैंने कवर नहीं किया है, ईवीएम के ही सीक्वेंस में मैं बीएफएम भी लाऊंगा। तो जो वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब पे वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप बिल्कुल भी हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे। तो और दोस्तों, लेकिन जो कंटेंट है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो सपोर्ट आप 2 तरह से कर सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल को अपने और भी लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है, तो वो मुझे मोटिवेट करेगा कि और अच्छे कंटेंट को लाने के लिए जितने भी मिस्टेक्स होते हैं उसे कम से कम मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमम मिस्टेक्स हो, क्वालिटी कंटेंट हो, थ्योरी जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एकदम पिन पॉइंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अननेसरी जो हमारी सी आई बी बुक में लिखा हुआ है उसे हटाकर जितना काम का चीज़ है वो मैं बताऊँ, एम सी क्यूज करवाऊँ उस पार्टिकुलर टॉपिक से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको दूँ। तो इन सभी चीज़ के लिए दोस्तों आपकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आप सपोर्ट एक तरह से कर सकते हो कि हाँ, कि आप और भी लोगों को बताओ इस चैनल के बारे में, लोग जुड़ेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलेगा और निश्चित रूप से आपका अगला जो सी आई बी एग्जामिनेशन है तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद मिनिमम एफर्ट, क्योंकि हमारे पास क्या है, टाइम की कंस्टेंट है। आप लोग बैंकर्स जानते ही हो कि टाइम आपके पास मिनिमम होता है, एक तो बैंक का काम है, उसके बाद फिर सी आई बी की तैयारी। तो हमारा एफर्ट रहा है कि कम समय में, विद इन शॉर्ट टाइम, आपको मैं चीज़ें समझाऊं और फिर उस पर एम सी क्यूज करवाऊँ। दैट्स आवर मोटिव, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे पास मुश्किल से एक दिन में 1 घंटा भी निकाल लेते तो वो भी काफ़ी, क्योंकि जो हरासमेंट होता है बैंक का और जो वीकेंड्स होता है दोस्तों उसी में आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो वी नो द फैक्ट दैट वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट, सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्वालिटी मटेरियल इन शॉर्ट टाइम्स, सो वी रिक्वायर योर सपोर्ट। आइदर यू कैन सपोर्ट यूजिंग बाय शेयरिंग अवर कंटेंट, और दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, हमको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल दिया हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली, कोई मैंडेटरी नहीं है, ये आप पे निर्भर करता है। आप चाहे तो आप अपना सजेशन दें कि हाँ, मैं अपने चैनल को कैसे हम और इसमें अपना फीडबैक डालें, आपने हमारे वीडियोस को देखा है तो आपको जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ पे सुधारा जा सकता है तो आप मुझे फीडबैक दें, मैं ज़रूर उसे अपने आगे वाले वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट करूँगा। दोस्तों ये तो रहा कैसे आपसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, वन वे तो चलेगा नहीं, क्योंकि टू वे कनेक्शन है, आपकी बात मैं सुनता हूँ और मेरी बात आप सुनते हैं, ठीक है, तो ये टू वे चैनल है, तो आपकी भी फीडबैक की रिक्वायरमेंट है, आपकी भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो
तो दोस्तों अब देखिए आगे के मैं प्लान बताता हूँ। तो बेसिकली आगे का जो हमारा जून का सीजन है उसके लिए मैं आपके लिए एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। सोचा हूँ मैं लॉन्च कर नहीं रहा हूँ, मैंने आई जस्ट हैव थाउट, लेकिन इसमें आपकी क्या सुझाव है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसकी मुझे आवश्यकता है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सीरीज का नाम मैंने रखा है धमाका सीरीज, ठीक है। बेसिकली ये लाइव जूम सेशन है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि कुछ लोगों का मुझे कमेंट्स आया कि एक डेडिकेटेड वे में मुझे प्रिपरेशन चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपके पास 3 या 4 महीना है, इफ़ यू हैव 3 और 4 मंथ, और आप डेडिकेटेड वे में तैयारी करना चाहते हैं, मतलब सिक्वेंस वाइज हमारे चैनल पे सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप 350 प्लस वीडियोस हैं, ठीक है। तो लेकिन उसमें क्या है कि मैंने प्लेलिस्ट वाइज अरेंज करके रखा है, और दोस्तों उससे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं सीआईबी के। और मैं वीडियोस डालूंगा, बीएफएम का डालूंगा, एमएमसीक्यूज डालूंगा, जहां जहां मुझे लगेगा, जो भी अपडेट्स हैं मैं करते रहूंगा। लेकिन क्या है कि एक डेडिकेटेड वे में, जैसे आज मैंने ये पढ़ा, कल मैं ये पढ़ूंगा, उसके बाद मैं क्विज अटेंड करूंगा, तो वो नहीं है दोस्तों। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि इस सीरीज को लॉन्च करने का। देखिए मैं ऐसा सोचा हूँ कि हर एक पेपर, चाहे आपका एबीएम हो, बीएफएम हो, रिटेल हो, सभी के लिए मैं सोचा हूँ कि सेपरेट बैच लॉन्च करने का। अच्छा, सेपरेट बैच में लाइव सेशन रहेगा, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। कुछ लोग होते हैं जिनका थ्योरी पार्ट क्लियर रहता है, उन्हें केवल एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए भी मैं सोचा हूँ कि केवल एमसीक्यूज का ही सेशन लाऊं, सेपरेट जो एमसीक्यूज होता है, जो की स्टडीज होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी मैं सोचा हूँ कि एक सेपरेट बैच लाऊं। और दोस्तों उसमें लाइव भी रहेगा, सेशन रिकॉर्डेड भी रहेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, टाइम बाउंड कवरेज रहेगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि 3 या 4 महीना है अगले सीआईबी एग्जामिनेशन में, तो दोस्तों हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हाँ मैं 3 महीना में, यदि मान लीजिए 4 महीना है हमारे पास, तो 3 महीना में सिलेबस अच्छे तरीके से कवर कर लूँ, और 1 महीना हम रिविजन पे डालें, ठीक है। तो ये टाइम बाउंड कवरेज रहेगा, दैट्स आवर मोटिव। और दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें एफर्ट की रिक्वायर्ड, एफर्ट लगेगी हमारी, तो एक मिनिमल फी लगेगा, ठीक है, जो कि आप पे मैं छोड़ रहा हूँ कि आप डिसाइड करें खुद से, दैट्स ऑन यू, ठीक है। और दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि जो YouTube वीडियोस है वो हमेशा हमेशा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। YouTube वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा, जैसा मैं करता रहा हूँ, मैराथन सेशन, क्विक रिविजन सेशन, और भी आपका MCQ सेशन, वो मैं लगातार डालता रहूँगा। और अब मैं ट्राई करूँगा BFM पे अपना क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का, और दोस्तों उससे निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं मेरे चैनल के साथ, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको शेयर करता रहूँगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस इस बैच का यही फायदा है कि ये टाइम बाउंड कवरेज देगा, और कुछ नहीं, सारे चीज़ वही रहेंगे। हाँ, कुछ मैं क्विज भी करवाऊंगा इस पार्टिकुलर सेशन में, बस ये एक्स्ट्रा रहेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी जो भी बेनिफिट्स आपको यूट्यूब वीडियो से मिलते हैं वही इस बैच में ही मिलेंगे, ठीक है। तो लाइव जूम सेशन है, बस ये उनके लिए है, इन्हें टाइम बॉन्ड में चाहते हैं कि हाँ एक सीरीज में उनका एफर्ट नहीं लगे, ठीक है, कि मतलब 3 महीने में यदि उनके कवर करना है तो मेरे वीडियोस को देखते जाए, रिकॉर्डेड सेशन को देखते जाए, तो उनका ऑटोमेटिकली सिलेबस कवर हो जाएगा। ये पर्टिकुलरली उनके लिए मैं सोच रहा हूँ। तो दोस्तों जो कंप्लीट डिटेल है इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो आपका जो रिव्यू आ रहा है, ठीक है, आप जो रिव्यूज देंगे, आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दें, या साइड में आपके पास जो स्क्रीन है वहाँ पे अपना रिव्यू दें, आपका जैसा रिव्यू आएगा, आपका जैसा प्रतिक्रिया आएगी, ठीक है, उसी के बेस पे हम कंप्लीट डिटेल लेंगे, कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। क्योंकि ये जो हमारा सीआईबी मेड सिंपल का एक फैमिली है दोस्तों, उसमें आप एक अहम भूमिका प्ले करते हैं, यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फैमिली, बिकॉज योर फीडबैक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। तो आपकी फीडबैक, आपकी प्रतिक्रिया काफ़ी अहम रोल प्ले करती है इस पार्टिकुलर चैनल के लिए। तो आप जैसा कहेंगे कि हाँ ये सीरीज लाने के लिए, तो मैं बिल्कुल लाऊंगा, और जो भी आपको मिनिमम फीस चाहिए, तो वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर क्या है कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन आसानी से हो सकता है। दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगला जो जून सीआईबी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जून में ऐसा माना ही जाता है, हर एक साल जून में होता है, तो उसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ दोस्तों। अभी देखिए, अभी आपके पास मिड फरवरी में आप हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुल मिलाकर आपके पास 4 मंथ्स है, यू हैव 4 मंथ्स, राइट, ओके। सो दोस्तों जो लोग मेरे वीडियोज़ का हेल्प लेना चाहते हैं, कैसे वीडियोज़ का हेल्प लें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, उनके लिए ये पार्टिकुलर सजेशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप क्या कीजिए, आप अपने सिलेबस को देखिए, तो आपको बेसिकली EVM, ठीक है, और दोस्तों BFM है, और दोस्तों आपने देखा होगा कि सिलेबस में चेंजेस की भी कुछ बातें आ रही हैं, जो कि दिसंबर से लागू होंगी, तो यदि मान लीजिए सिलेबस में चेंज आएंगे तो 4-4 सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आपकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि अगले अटैम्प्ट में ही आप इसे निकाल लीजिए CIB को, अदरवाइज अगले उसके दिसंबर वाले अटैम्प्ट में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे EVM, BFM और आपका इलेक्टिव पेपर कोई भी है, ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास यदि 4 मंथ है तो एटलीस्ट 1 मंथ तो दीजिए EVM को,
हाँ BFA में टाइम ज़्यादा लगता है, 1.5 मंथ मतलब 1.5 महीना भी लग सकता है BFA में, ठीक है। और इलेक्टिव पेपर में आपको आधा महीना में भी काम चलेगा, 0.5 मंथ में भी काम चल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने मिड फरवरी से मिड मार्च तक ABM को दिया, ठीक है, फिर मिड मार्च से लेकर आपने अप्रैल तक दिया BFM को, और लास्ट जो मई महीना है उसमें आपने इलेक्टिव को देखा, बाकी तो लास्ट महीना बचेगा दोस्तों, उसमें आप रिविजन के लिए रखिए, ठीक है, रिविजन MCQs के द्वारा करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ABM को आपको कवर करना है, तो ABM को कैसे कवर करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने डिसाइड किया कि आपके पास ABM को कवर करने के लिए 1 मंथ है, ठीक है, तो आज आप मान लीजिए ABM को शुरू करते हैं, तो पहला दिन आप क्या करेंगे, मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, मैं ऐसे आपको पॉइंट समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इस रूप से निश्चित रूप से आप अच्छे तरीके अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ABM में क्या करना है दोस्तों, आपको देखिए मैकमिलन बुक तो लेना ही लेना है, मैकमिलन बुक इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, मेरे वीडियो को जाके देखिए, उस पार्टिकुलर MCQs वीडियोस को, उस पार्टिकुलर वीडियोस को जाके देखिए, थ्योरी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, उससे आपको एक दिमाग में हाईलाइट मिलेगा कि हाँ इस चीज़ को हमें पढ़ना है। और दोस्तों मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ तो आप समझ भी जाएंगे चीज़ों को। उसके बाद जब आप वीडियो एक बार देख लें तो आप एक बार मैकमिलन बुक की रीडिंग लगा लें, ठीक है, मैकमिलन बुक की रीडिंग लगा लें, क्योंकि अब आपको आसानी रहेगा मैकमिलन बुक को पढ़ने में। क्यों आसानी रहेगा मैकमिलन बुक पढ़ने में, क्योंकि दोस्तों आप चूंकि मेरे वीडियो को देख चुके हैं तो आपको एक लेआउट बन चुका है दिमाग में कि हाँ ये टॉपिक है जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो पहले वीडियोज को देखें, उसके बाद मैकमिलन बुक को एक बार पढ़ लें, रीडिंग लगा लें। अब बात आया दोस्तों MCQs का, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मैंने यूनिट वाइज MCQs डाला है, उसे आप अटेम्प्ट करें, ठीक है, और खुद से पहले सॉल्व करें प्रॉब्लम को, तब मेरे एक्सप्लेनेशन को देखें, और आप फिर देखें कि कितना सही मैं कर पा रहा हूँ। यदि मान लीजिए कोई चीज़ आपसे नहीं बन रहा है तो फिर से आप ये रिपीट करें वीडियोज या आपने जो थ्योरी पढ़ा है उसे रिपीट करें। और दोस्तों नोट्स जरूर बनाते चलें, नोट्स से क्या है कि आपको जब जब मेरे वीडियोस को देख रहे हैं ना तो नोट्स बनाते चलें दोस्तों, और यदि PDF मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी हमारे पास प्लान है। तो नोट्स बनाने से क्या होगा कि लास्ट टाइम रिवीजन में काम आएगा, जो लास्ट मंथ आपके पास है ना उसमें यही नोट्स आपको काम आएगा। तो ये सिक्वेंस आपके हर एक यूनिट के लिए रहेगा, पहले वीडियो देखना है, फिर मैकमिलन बुक को पढ़ना है, एक लाइन लाइन वाइज पढ़ना है, ठीक है। आपको पता मैं वीडियो में वही चीज़ बताता हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद MCQs देखना है, और फिर से अगले यूनिट में आना है। ऐसे करते करते आपके पास ABM में कुल मिलाकर 30 यूनिट है, 30 से ज़्यादा ही यूनिट है, तो 30 या 35 दिन में आप इसे कवर कर लेंगे। उसी तरह BFM के लिए भी सेम काम करेंगे, मैं BFM का आपको MCQs का वीडियो यूनिट वाइज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, तो उसका आप हेल्प ले सकते हैं, और सेम आपका इलेक्टिव पेपर का रहेगा। तो यदि आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो दोस्तों यही मुझे कहना था इस पार्टिकुलर वीडियोज के रिगार्डिंग, आपको मैंने एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बता दिया, और निश्चित रूप से मैं आपकी CIB के सफर में CIB के जो का जो ये आपका सफर है उसमें मैं आपको निश्चित रूप से हेल्प करूंगा, ठीक है। मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि हाँ ऐसे आपको प्रोसीड करना है, बाकी काम तो एफर्ट तो आपको ही लगाना होगा। हाँ आपका एफर्ट मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है, अपने अपने कुछ वीडियोस के साथ ये के साथ। तो दोस्तों ये जो पार्टिकुलर कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, यदि आप चाहते हैं कि हाँ मैं ऐसा शुरू करूँ तो आप अपना कमेंट सेक्शन में या आपका जो साइड स्क्रीन में जो आ रहा है वहाँ पर जरूर निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया लिखें, मैं ट्राई करूँगा इसको इम्प्लीमेंट करने का। तो और भी जो आपकी सजेशन हो उसे जरूर लिखें, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।